नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शहीद स्मृति दिवस मनाया गया है। आज शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर नौगांव नगर में शासकीय उत्कृष्ट हाई सेकेंडरी स्कूल में शहीद सम्मान समारोह मनाया गया, जिसमें नौगांव के वीर जवान अशोक कुमार जाटो पुत्र श्री रामजी लाल जाटो जी की शहादत को याद किया गया और उनके परिवार के जनों को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर एवं श्री अशोक कुमार जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल से आए मुख्य अतिथि सहायक सेनानी एस के पांडे के द्वारा उद्बोधन दिया गया है। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में नौगांव नगर के स्कूल के प्राचार्य विजय अहिरवार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अभिलाषा शिवरे, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य नीरज जाटव, समाज सेवी संतोष गंगले एवं संपूर्ण स्कूल स्टाफ व छात्रों के साथ नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। छतरपुर से ब्यूरो चीफ गजेंद्र साहू के साथ चिरंजीव अहिरवार की रिपोर्ट। सर, आज हाई सेकेंडरी स्कूल में शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस अवसर पर किया गया? शहीदी दिवस कार्यक्रम 21 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है और हमारे बल में जितने भी पदाधिकारी जब भी शहीद हुए हैं तो इस दिन हम उनके सम्मान में शहीदी दिवस को उनके जिस विद्यालय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है उस विद्यालय में जाकर हम लोग शहीदी दिवस मनाते हैं। इसी क्रम में आज हम जो अशोक कुमार जी हैं, उन्होंने 1991 में श्रीनगर में उग्रवादियों से बराबर का हमले के दौरान बराबर की बराबरी करते हुए और उनकी गोलियों का शिकार हुए और लेकिन उग्रवादियों को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दी और उसी दिन उसी गोली से वो हॉस्पिटल के घायल हुए और हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और भारत माता के लिए अपना बलिदान दिया। इसी अवसर पर हम लोग उनके सम्मान में आज के दिन शहीदी दिवस के दिन हम लोग उस विद्यालय में शहीदी दिवस मनाते हैं जहाँ से उन्होंने देशभक्त की शिक्षा प्राप्त की।